सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम गुलदस्ते उर्दू पे ला रहे हैं एक वेरी फेमस दक्कनी पोएट जिनका नाम है सुलेमान खतीब। पोएट के बारे में बताएंगे हमें आप नसीमा मर्चेंट। आदाब। आज हम एक तंजो मिजाज के शायर हैं सुलेमान खतीब, जो दक्कनी उर्दू के शायर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ मैं। सुलेमान खतीब दक्कनी उर्दू जबान के तंजो मिजाज के शायर थे। 26 दिसंबर को मोजा चिटको पार्क, तालुका हुमना आबाद, जिला बीदर, रियासत कर्नाटक के खतीब खानदान में पैदा हुए। उनका पूरा नाम खतीब मोहम्मद सुलेमान था। उनके आबा व अजदाद यानी एंसेस्टर्स आलमगीर के अहद में चिटकोपा की जामे मस्जिद के खतीब रह चुके थे। इस तरह खतीब उनका खानदानी नाम पड़ गया और उन्होंने बाद में इसी को ही अपना तखल्लुस बना लिया। उन्होंने अपनी तालीम जिला मेदक और हैदराबाद में पाई। मोहम्मद सुलेमान 6 माह के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया और 10 माह के बाद उनके वालिद भी इंतकाल कर गए। इस तरह वो 1 साल 4 महीने में ही यतीम हो गए। इनका बचपन बड़ी गरीबी में गुजरा। वो खुद कहते हैं कि मैंने 10 साल की उम्र तक जूता नहीं पहना था, टोपी नहीं पहनी। अलबत्ता हर बच्चे की खूबसूरत जूते बड़ी हसरत बड़ी नजरों से देखता था। एक दिन एक अमीरजादे की तुर्की की टोपी सर पर रखकर बड़ा खुश हो गया। नरम नरम टोपी फूटने वाली हुफ कितनी अजीम होती है, मेरा सर ऊंचा हो गया। बचपन की मासूम ख्वाहिशात पूरी न होने के अलावा उनकी तालीम का आगाज भी बरवक्त न हो सका। बाद में उनके बड़े भाई के दोस्त की बहन के यहाँ तालीम का शौक तो पूरा हो गया, मगर बदले में उनको झाड़ू लगाना पड़ा, पानी भरना पड़ा, बर्तन धोने पड़े और जंगल से लकड़ियां काट कर इकट्ठा करके लाना पड़ा। किसी तरह वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंच गए, जहां पर उनके तायाजात उनको अपने घर ले गए और उनके ताया ने उनकी परवरिश की। वो सुलेमान को अपनी औलाद की तरह चाहते थे, जिससे उनका तालीमी सिलसिला बाकायदगी से शुरू हुआ। वो एक औनहार तालिब इल्म के अलावा स्काउट में भी दिलचस्पी रखते थे। कई तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों में उन्होंने अव्वल नंबर हासिल किया था। हैदराबाद से एक माहवार पर्चा निकलता था जिसका नाम अतालिक था। सुलेमान के मजामीन इस रिसाले में शाया होने लगे। एक फनकार की शायरी पर उसका माहौल बहुत बड़ा असर करता है। सुलेमान की शायरी पर भी उनके आबाई वतन का माहौल बड़ी हद तक असरअंदाज रहा। उनका बचपन देहातों में गुजरा। देहात की सीधी सादी बोली, रस्म और रिवाज, लोगों की खुशियां और गम, बनावट से बेनियाज जिंदगी, ये तमाम चीजें सुलेमान की शायरी का हिस्सा बनते चले गए। उन्होंने उनके मजमूए कलाम यानी उनकी किताब में खुद लिखा है, मैंने दक्कन देश के एक छोटे से गांव में आंखें खोली, मेरा माहौल दक्कनी था इसलिए मैंने दक्कनी जबान अपनाई, मेरी शायरी का मिजाज दक्कनी है। इन तशबीहात यानी उसमें जो मिसालें दी जाती है वो भी दक्कनी है, रोजमर्रा की जिंदगी भी दक्कनी है, रस्म और रिवाज दक्कनी है, जबान का बांकपन भी दक्कनी है। उनकी शायरी में लोक गीतों का असर ज्यादातर होता है। उन्होंने खुद भी कई लोक गीत लिखे हैं। उन्होंने कहा भी है अपने कलाम अपने मजमूए कलाम में केवरे का बन में कि मुझे अर्ज करना ये है कि मैं सिर्फ लोक गीतों से मुतासिर हुआ। एक अरसे तक ढोलक के गीत जमा करता रहा। मेरा पहला लोक गीत मीठा मीठा मोट का पानी है। सुलेमान खतीब ने दही इलाकों में घूम फिर कर दक्कनी लोक गीत इकट्ठे किए और यही नहीं इन गीतों की अहमियत भी बयान की है। उन्होंने कहा, जहां तक दक्कनी लोक गीतों का काम है इसको मैंने शुरू कर दिया है। 3 साल के अरसे में करीबन हजारों गीत गांव गांव कुड़िया कुड़िया घूम गांव कर जमा किए। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा
कि मैं उन बूढ़ियों से गीत हासिल किए जाए जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, ताकि कदीम से कदीम यानी पुराने से पुराने गीत भी मिल जाए। उन्होंने खुद भी तो गीत लिखने की कोशिश की थी। वो एक मुद्दत तक रस्मी और रिवायती गजलें लिखते रहे, लेकिन इस तर्ज की शायरी से वो मुतमईन नहीं थे। कहा गया कि काफी लोग गीत जमा किए हैं, उनसे मुतासिर भी हुए, इस रंग में शेर भी कहने लगे, लेकिन दक्कनी में लिखना शुरू किया तो ऐसा महसूस हुआ कि अपने दिल की बात कही जा रही है। और अपनी इस शायरी के रंग से वो बिल्कुल मुतमईन थे। उनका ये बड़ा कमाल था कि वो जितने अच्छे दक्कनी उर्दू में लिखते थे, मयारी उर्दू में भी लिखते थे, यानी सीधी साधी उर्दू में भी लिखते थे। उन्होंने कुदरती मनाजिर पर भी नज़में लिखी हैं। इनकी शायरी की पूरी फिजा हिंदुस्तानी और हिंदी है। हतीब की नज़मों को अगर बांटा जाए तो इसके 3 हिस्से हैं, आगाज, उरूज और इख्तिताम। इनके शेरों का जो आगाज है उसमें शुरू शुरू में तंज होता है, लोगों को हंसाते हैं, और जब शायरी उरूज को पहुंचती है तो यही तर्ज दिल की गहराइयों में उतर जाती है, और आखिर में यही शायरी संजीदा मुस्कुराहट में बदल जाती है। इसके बाद वो अपनी नज़्म को ऐसे मोड़ देते हैं कि इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते इंसान के आंसू निकल आते हैं। उनकी शायरी का अब तक एक ही मजमुआ शाया हुआ है, केवरे का बन। अब हम आगे उनकी बात करेंगे एक दो नज़्म सुनने के बाद। तो पहली नज़्म महबूब साहब, महबूब भी जो रुखसाना और अफरोज बयान करेगी, तो प्लीज आप लोग एक नज़्म पढ़िए। की ये कल्ले फुगा को बैठी है, अच्छी सूरत जला को बैठी है, कल्ले गुस्से से लाल हो जा रहे, धूप भड़ते फूला मुरझा रहे, कई को कड़वा करेला बन जा रहे, मुंह को मकड़िया के जाले तन जा रहे। छेड़खानी नको करो देखो कीजी, नन्ही सी छोकरी समझे, काई को सर पे उठा के फिरते सो, मंजे फूलों की टोकरी समझे। तुझे मोहत्या की मैं लड़ी समझो, हरे मखमल की धन मड़ी समझो, दुलती नारियल की फड़ी समझो, दिल में होती सुगड़ बड़ी समझो, अंख्या खुल गए सो एक सीताफल है, पीक पक जा को बस खड़ी समझो, भर जवानी को तेरी क्या बोलूं, फूट ककड़ी है फट पड़ी समझो, फूट पक ककड़ी इज मस्ट मेलन टाइप ऑफ अ फ्रूट दैट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस, फूट ककड़ी है फट पड़ी समझो, लाल पीली है क्या महकती है, पक्के आमा की बस अड़ी समझो, जुल्फा लोरिया है फिर जवानी के, एक मंत्र है नींद आने का, मस्त अंख्या को मांग तो देखो, सीधा रास्ता शराब खाने का। जितते आते है मेरी गली में, अपनी अक्कल को सट को आते है, दूध देखो तो बस नको पूछो, जैसे बिल्लिया झपट को आते है, उड़ो माती पड़ो तुम्हारे पो, की मोहब्बत के बाता करते है, गौ की हालत को तुम नहीं देखे, दाने दाने को लोग मरते है, जाके राशन की शाप को देखो, एक लंबी कतार में जैसे झोली लेको फकीर आए है, आंसू अंख्या में हाथ में पैसे, पाव पड़ पड़ के गल्ला लेते है, क्या दयालु है मेरा अन्नदाता, पैसे ले को ले ले को भीख देते हैं, पैसे ले ले को भीख देते हैं, काले बाजार में ये कलम हुए, मुंह को कालिक लगा के रखते हैं, रोटी रोटी को ये भी तरसेंगे, मेरी रोटी छुपा के रखते हैं, क्या सवाबी है मेरी रोटी में, मिट्टी कंकर मिला के रखते हैं, हम तो रख लेंगे पेट पे पत्थर, पन के बच्चे बड़े सताते हैं, रोते उठते हैं भूखे रातों को, पानी दे दे के हम सुलाते हैं।
यहाँ पर महबूब साहब महबूब भाई को समझाते हैं, कहते हैं जिसकी मुट्ठी में दाम है गोरी, वक्त उसका गुलाम है गोरी, जो कमीने के हाथ से पहुंचे ऐसी रोटी हराम है गोरी। चलो खेतिया हमें बुलाते हैं अपने रट्टे से हम कमाएंगे, रट्टे इज आम बाजू, अपने रट्टे से हम कमाएंगे, जिसकी मेहनत है उसकी नियामत है, सारी दुनिया को हम खिलाएंगे। मैं पसीने के हीरे पेरूंगा तू भी मोतिया के खेता काटेगी, फिर बजाएगा तालियां पीपल अपनी घुर्सी में लक्ष्मी नाचेगी। नवे सूरज के संग चलना है काले राता को भूलना अच्छा, अपनी मेहनत का टुकड़ा खा ले को फटी कंबल में डोलना अच्छा। अभी खेतिया मेरे सलामत हैं अभी रट्टे मेरे ताकत है, अभी खेतिया मेरे सलामत हैं अभी रट्टे में मेरे ताकत है, अभी रट्टे में मेरे ताकत है। अभी आपने जो नज़्म सुनी महबूब साहब और महबूब बी, इस नज़्म में खास दक्कनी तशबीहात मिसालें दी है, यानी इसमें महबूब के हुस्न और जमाल की तारीफ मिसालों के जरिए की है। जैसे महबूब को मोती की लड़ी से तशबीह दी है, दूसरे मिसरे में शायर ने हरे मखमल की दान के खेत से ताबीर किया है, ये भी लिखा है कि महबूब के हुस्न की कैफियत का ये आलम है जैसे कोई नारियल की पुरी हवा के दोष में डोल रही है। दक्कन में पैदा होने वाले एक फल जो सीताफल के नाम से मशहूर है, और पके हुए सीताफल को खुली आंखों का फल कहा जाता है। इससे महबूब की आंखों को सीताफल की तशबीह देकर इसकी जवानी को दर हकीकत पक्की हुई खड़ी फसल के हुस्न का नमूना कहा है। और ये भी इस नज्म में कहा है कि महबूब का हुस्न और जवानी आम की खुशबू और फूट ककड़ी के फूटने की कैफियत रखती है। अगर ककड़ी का और आम का पुख्ता हो जाना इसकी रगबत और खुशबू महबूब का हुस्न है। इस नज़्म के अशआर में शायर ने नई नई मिसालें दी है, जिसकी वजह से हम शायर की फिक्र और तरफदारी की दाद दे सकते हैं। तुझे मोतिया की मैं लड़ी समझो, हरे मखमल की दनमड़ी समझो, दुलती नारियल की एक भूरी समझो, दिल में होती हो गड़बड़ी समझो। अभी हम सुनेंगे एक नज़्म 28 तारीख जो शगुफ्ता आपको सुनाएंगी। इससे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। इसका एक्सप्लेनेशन है, सुलेमान खतीब ने 28 तारीख जैसी दो और नज़में भी लिखी थी, पहली तारीख और आखिरी तारीख, पर यह नज़म 28 तारीख बहुत मायने रखती है। इसमें जो गरीब मुतवसित तबके का माशी मसला पेश किया गया है, ये नज़म एक बेवा औरत की फरियाद है। इसका मुखातिब कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मरहूम शौहर है। वैसे तो शौहर और बीवी में झगड़ा मामूली बात है, मगर इस नज़म में शौहर से नफरत का जज्बा नहीं बल्कि उससे रफाकत का जज्बा बताया जाता है। इतना ऐसा हमको करना था, तनख्वाह लेने के बाद मरना था, ये इस नज़म का शेर है। मौत की हकीकत एक तरफ और अमली जिंदगी की तकाजे एक तरफ, शौहर के बगैर जिंदगी दुश्वार तो हो जाएगी, लेकिन जवान बेटी के ब्याह का मसला और पेट भरने का मसला ये भी तो एक संगीन हकीकत है। शौहर के मरने का अफसोस के साथ आगे की जिंदगी की फिक्र भी तो मायने रखती है, और यही ये नज़्म में बताया गया है। तो शगुफ्ता आप सुनाइए अभी वो नज़्म। 28 तारीख
एक कलर की बेवा मियां की मजार पर रोज लड़ लड़ को जान खाका को रोज लड़ लड़ को जान खाका को अच्छा जंगल में सो गए आपको मुंडी काटी को पहले मरना था मुंडी काटी को पहले मरना था लेको मुट्ठी में जान बैठे है ऐसा मरना भी काय का मरना जी घर में बेटी जवान बैठी है कितने लोगों के पावा पड़ पड़ को कितने लोगों के पावा पड़ पड़ को घर से मैयत को मैं उठाई हूं जीना मरना तुम्हारा कर्जे का आज फूला उधार लाई हूं जीना मरना तुम्हारा कर्जे का आज फूला उधार लाई हूं इतना एहसान हमको करना था इतना एहसान हम पे करना था तनख्वाह लेने के बाद मरना था। छोरा छोरी उनकी सबसे मशहूर नज्म है जिसमें मुआशरे की बेहिसी का जिक्र किया गया है। इसमें लड़के वालों के फख्र और गुरूर की निशानदही की गई है। इसमें दुल्हे की माँ बड़े तकबर के साथ अपने लड़के का रिश्ता दुल्हन वालों के रूबरू पेश करती है। इसके आखिरी बंद में लड़की का बाप अपनी मुआशी मजबूरी की बिना पर लड़के वालों की फरमाइश को पूरी नहीं कर सकता तो ऐसे में अपनी बेबसी का इजहार करता है। इससे न सिर्फ दिल महसूस के रह जाता है बल्कि मुआशरे में मौजूद जहेज की लानत से शदीद नफरत होने लगती है। एक बाप के दिल की कुरहन और बेबसी का इजहार के लिए इससे बेहतर कोई और शेरी लहजा हो ही नहीं सकता। इससे ये भी अंदेशा जाहिर किया गया है कि अगर लड़के वालों की तरफ से यही मुतालबात होते रहेंगे तो बिला शुबा माँ बाप के लिए लड़की रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाएगी। नज़्म छोरा छोरी की इब्तिदा में खतीब जितना हंसाते हैं आखिर में उसकी पूरी कीमत भी वसूल करते हैं। ये कहना बेजाना होगा कि खतीब की नज़्म तारों बड़ी मुस्कुराती रात की तरह शुरू होती है लेकिन इसका इख्तिताम शबनम से भीगी हुई आखिरी शब की तरह बड़ा नमनाक होता है। इसका ये शेर सुनिए। जिसकी बच्ची जवान होती है उसकी आफत में जान होती है बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक बारी चट्टान होती है। तो चलिए अभी हम सुनते हैं यही नज़म छोरा छोरी डॉक्टर मुमताज मुनव्वर पीरबाई की जबानी नज़म छोरा छोरी। पेश है नज़म छोरा छोरी दुल्हन की माँ। बोलो खाला मिजाज कैसे हैं कितने बरसों के बाद आई हो मिस्सी होंठों पे आंख में काजल जैसे पैगाम कोई लाई हो उंगली नाखून को कुछ तो नाता है अपना अपनों के घर को आता है। दूल्हे की माँ अरे मेरे छोरे को छोरी होना है मेरा छोरा तो पक्का सोना है तुम्हें दिल में जरा न को सोचू हाथ आया सो हीरा खोना है चार लोगा में उसकी अब्रू है जैसे केवड़े के बन में खुशबू है खुले दिल की हूँ सब बताती हूँ बात पहले ज मैं सुनाती हूँ नहीं तो तुम्हें काम भी लड़ने बैठेंगे खुला मुकलाज मैं बताती हूँ। छोरा तिरपट है और लुल्ला है सीधी अंखी में उसकी फुल्ला है मुंह पो चेचक के खाली दागा है रंग डांबर से जर्रा खुल्ला है नाक नक्शे का कितना अच्छा है मेरा बच्चा तो बोर बच्चा है जाको लंदन से जहाज में आया है सच्चे बाबा का सच्चा बेटा है उसके दादा भी सौ को भारी थे यूं तो कमजात के मदारी थे उसके दादा भी सौ को भारी थे यूं तो कमजात के मदारी थे कौले झाड़ा की सेंधी पीते थे क्या सलीके का जीना जीते थे पी को
निकले तो झाड़ देते थे, पी को निकले तो झाड़ देते थे, बाबा दादा को गाड़ देते थे, अच्छे अच्छे शरीफ लोगों के जड़ से पंजे उखाड़ देते थे, भाई का दरवाजे बंद करते थे, बच्चे गोदाम में डर को मरते थे। गांजा जन्नत में गंज मिलने दो, दम लगाने की उनको आदत है, अल्लाह उनको नकलाल करने दो, पीने खाने की उनको आदत है। दुल्हन की माँ, ये तो दुनिया है, ऐसा होता है, कोई पाता है कोई खोता है, ऐसे वैसों के दिन भी फिरते हैं, सर से शाहों के ताज गिरते हैं। मेरी बच्ची तो खैर जैसी है, बोलो मर्जी तुम्हारी कैसी है। दूल्हे की माँ, दे चोरी फूला में फूल दिसना जी, चोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत भूल दिसना जी, उसके लखन से चांदनी पड़ना, चांद पावा की धूल दिसना जी, मुंह को देखे तो भूख सर जाना, प्यासे अंखिया की प्यास मर जाना, लचके कमर तो बेद शर्माना, तपके चोटिया तो नाक डर जाना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, लाल होटा पो गमची मर जाना, अच्छे गुण की हो अच्छा पाँव हो, घर में लक्ष्मी के सर की छाँव हो, हंडिया धोने की उसको आदत हो, हंडिया धोने की उसको आदत हो, बोझा ढोने की उसको आदत हो, सारे घर बार को खिला देखो, सारे घर बार को खिला देखो, भूखा सोने की उसको आदत हो, पाक सीता हो सच्ची माई हो, पूरी अल्लाह मियाँ की गाय, गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। दुल्हन की माँ कहती, आप बातें मजे की कहते हैं, कितने अफराद घर में रहते हैं। दूल्हे की माँ, 12 नंदा का काम करना है, पूरे शादियां तमाम करना है, 4 देवर की जिम्मेदारी है, बुड्ढी नानी तो सबको प्यारी है, सास ससरे अभी सलामत हैं, अभी समदन का पांव भारी है, सास ससरे अभी सलामत हैं, अभी समदन का पांव भारी है, अल्लाह साहब के सारे कामा है, सिलसिला आप तलक भी जारी है। दुल्हन की माँ, चलिए लेने देने की बात हो जाए, मामला एक साथ हो जाए। दूल्हे की माँ, भार वाले तो बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है घर का जेवर दो, रेडियो साइकिल तो दुनिया देती है, अल्लाह दे रही तो एक मोटर दो, बहुत चीजा नको जी, थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस, जोड़े घोड़ों को लेके धोना है, खाली 25,000 होना है, मान मेरा बड़ा ना देखो माँ, अच्छी साड़ी पिनाना देखो माँ, खाने पीने के मेरे लोगा हैं, मिट्टी सेंधी पिलाना देखो माँ, का तो शरबत पिला को ठाटेंगे, मेरी दुनिया में नाक काटेंगे। दुल्हन की माँ, कुछ तो आरस को लेंगे खाला, क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे खाला। दूल्हे की माँ देखिए क्या कहती है, कि जोड़े लाना भी रास नहीं हमना, न चढ़ाना भी रास नहीं हमना, जोड़े लाना भी रास नहीं हमना, न चढ़ाना भी रास नहीं हमना, हम तो वलीमा कब भी देते नहीं, खाना वाना भी रास नहीं हमना, महर महर वत्ता जितनी सुन्नत है, महर वत्ता जितनी सुन्नत है, बहुत बनना तो सब हिमाकत है। ये सारी बातें बेटी का बाप खामोशी से सुन रहा था, अब देखिए कि बेटी के बाप के जज्बात क्या हैं। जिसकी बच्ची जवान होती है उसकी आफत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता,
माँ तो गुलगुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। माँ तो गुलगुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दें। लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दें, लाल चादर में क्यों न कफना दें। ये भी दुल्हन है, घर से जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है। ये सुहागन है, इसको कंधा दो, ये सुहागन है, इसको कंधा दो, हमने खूने जिगर से पाला है। इसकी तुर्बत पे ये भी लिख देना, इसकी तुर्बत पे ये भी लिख देना, जर परस्तों ने मार डाला है। ऐसे कितने ही माह पारे हैं, जर गजीदा हैं, जर के मारे हैं, क्यों उजड़ता है बाग मुफलिस का, किसने देखा है दाग मुफलिस का। शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का, दिल हुआ है चराग मुफलिस का, दिल हुआ है चराग। Afroz ji now reciting the poem with explanation from Patloor. सुलेमान खतीब ने अपनी इस नज़्म में ईदगाह का मंजर पेश किया है। इस नज़्म में तीन कैरेक्टर्स है, एक सूदखोर पठान जो सिर्फ और सिर्फ साल की एक नमाज पढ़ता है ईद वाली, और वो ईदगाह में उसे जगह मिली एक फैशनेबल लड़के के पीछे वाली कतार में, जो नमाज के लिए उनके सामने खड़ा है। दूसरा है मोहल्ले का एक छिछोरा सा फैशनेबल लड़का, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कपड़े दिखाना है और शो मारना है। नमाज पढ़ने का उसका कोई इरादा नहीं, ना इंटेंशन है। तीसरा है शायर, जो इस मंजर का चश्मदीद है और इस पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। तो चले अब हम ईदगाह चलते हैं। नज्म का नाम है तंग पतलून। एक साहब नमाज में यारो तंग पतलून चढ़ा के आए थे, उनो खड़को थे बस अकावत में, लोगा सजदे में सर झुकाए थे। अब जो ये देख रहा है अपना सूदखोर पठान, बहुत तलमलाया और गिड़गिड़ा के उसको बोलता है फैशनेबल लड़के को, तू जो सजदे में जाएगा बाबा, फिर तो मेरा नसीब फूटेगा, तेरा टूटेगा एक ही टाका, अपना पूरा नमाज टूटेगा। हम तो एक ही नमाज पढ़ता है, इसको काय को खराब करता है, क्या बिगाड़ा था तेरा ए जालिम, हमको तकलीफ काय को देता है, पाक परवर दिगारे आलम से हम तो डर डर के सूद काता है, वरना मालूम है खुदा हमको पाक जूते उठा के मारेगा, उसका जूता बहुत ही वजनी है, उसका जूता बहुत ही वजनी है। तो ये फैशनेबल लड़का उसको बोल रहा कि कौन पढ़ने पढ़ाने आया था, कौन पढ़ने पढ़ाने आया था, हम तो कपड़े दिखाने आया था, हम तो मिलने मिलाने आया था, गऊ का चक्कर लगाने आया था। ये मंजर देखकर शायर बड़ा अफसोस में कहता है कि वो हुसैनी थे, भूखे प्यासे थे, वो हुसैनी थे, भूखे प्यासे थे, जिन पे हमले शदीद होते थे, वजू करते थे खून से अपने, वजू करते थे खून से अपने, रोजा रखकर शहीद होते थे। एक वैसे भी वो नमाजी है, एक ऐसे भी ये नमाजी है। अब हम जो नजर पेश करने जा रहे हैं
शगुफ्ता की जबानी, उसका नाम है लखनवी शायर की दक्कनी बीवी। सुलेमान खतीब ने अपनी शायरी में एक खास फिक्री खूबी को शामिल किया है और वो है मकालवे, यानी डायलॉग के जरिए मर्द और औरत की जज्बात की निशानदेही। इनकी इस नज़म लखनवी शायर की दक्कनी बीवी को की मुतारे से अंदाजा होता है कि पूरी नज़म में मकालमे ही मकालमे हैं। इसमें जितना शौहर ने नर्म रवैया इख्तियार किया इसके खिलाफ उसकी बीवी ने उसकी बीवी का रवैया वो जाना न अग्रेसिव है। इसमें शायद जब दो दिन के बाद घर वापस आते हैं और घर का दरवाजा बंद है और वो खिड़की की सलाखें पकड़ कर खड़े हैं और बीवी से मुखातिब है कि दरवाजा खोलो, यहाँ शोहर और बीवी की नोकझोंक बताई गई है, बल्कि शोहर और बीवी की बहस और तकरार से शायर ने बीवी की जबानी कभी खानदानी मसाइल को बयान किया है तो कभी समाजी और सियासी मसाइल को, कभी उससे नाराज होती है तो कभी इस नजम में मनाने की कोशिश की गई है। इस तरह वो एक औरत के रूप को कभी शोला और कभी शबनम की तरह दिखाई दिए। इसके मुख्तलिफ तेवर हमें सुलेमान खतीब की नज्म के हर मोड़ पर नजर आती है। उन्होंने अपनी नज्मों में बीवी के जिस किरदार को पेश किया है वो गुस्से वाली जरूर है मगर अंदर से नर्म वो और हकीकत पसंद भी है। तो शगुफ्ता चलिए आपसे सुनते हैं ये नज्म लखनवी शायर की दखनवी बीवी। लखनवी शायर की दखनवी बीवी। शायर साहब दो दिन के बाद घर आए हैं, खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े हैं, सलाखें पकड़ कर घर का दरवाजा बंद है। शायर साहब बेगम से कहते हैं, अपनी बेगम से मुखातिब होते हैं, जश्न गालिब है गजल आज सुनानी है मुझे, जश्न गालिब है मैं गजल आज सुनानी है मुझे, वो गजल मैंने कही है कि गजल झूम उठे, शेर सुनते ही उतर आते हैं पलकों पे नजूम, शेर सुनते ही उतर आते हैं पलकों पे नजूम, कहकशा टूट पड़े दिल का कवल झूम उठे, देदनी है मेरे अफकार का ये अक्से जमीन, देदनी है मेरे अफकार का ये अक्से जमीन, जैसे जमुना में हसी ताज महल झूम उठे, क्या ख्यालात है क्या चीज है बोलो बेगम, क्या ख्यालात है क्या चीज है बोलो बेगम, लाल याकूत में हर शेर को तोलो बेगम, तुम तो बैठी हो फकत हाथ में लहसुन लेकर, तुम तो बैठी हो फकत हाथ में लहसुन लेकर, कभी अदरक कभी मिर्चे कभी बैंगन लेकर, चढ़ गया आपका किस बात पे पारा बेगम, चढ़ गया किस बात पे आपका पारा बेगम, अमा कुछ जुर्म बताओ ना हमारा बेगम, बी जमालों ने कहीं आग लगाई तो नहीं, बी जमालों ने कहीं आग लगाई तो नहीं, किसी कमबख्त ने बेपर की उड़ाई तो नहीं, अभी भी गुस्से में है और कहती है चुपके बैठो जी, तुम्हें खाली फकत तिल मंडी, चुपके बैठो जी तुम्हें खाली फकत तिल मंडी, अच्छा आता है तुम्हें कर को मुकरना मालूम, नन्हे पापा तुम्हें कहाँ तो भी दुनिया देखी, नन्हे पापा है तुम्हें कहाँ तो भी दुनिया देखी, मुंह में उंगली रखो कट को कतरना मालूम, कहाँ से बैठा था नसीबा में ये शायर उजड़ो, कहाँ से बैठा था नसीबा में ये शायर उजड़ो, क्या कलीजे को मेरे जी को जला देता है, बाता बाता में असल बात उड़ा देता है, बाता बाता में असल बात उड़ा देता है, पैसे पूछे तो फक्त शेर सुना देता है, शायरी करना तुझे कौन सिखा के छोड़े, अच्छे खासे मेरे आदमी को खपा के छोड़े, उन्हों घुल घुल अभी यहाँ पर ये वो कर रही है बदो दे रही है कि उन्हों घुल घुल को मरो, उन्हों घुल घुल को मरो, हाथ के चिंचे बोलो,
दाने बिछोड़ नतको सूपा में बालू घोलो। कुत्ते रोने लगो दरवाजों पे घुघू बोलो। घर के दीवाला गिरो ढाबे के जनते खोलो। कीड़े पड़ पड़ को मरो पड़ को दुआ फूकेंगी। कीड़े पड़ पड़ के मरो पड़ को दुआ फूकेंगी। साढ़े सातिया का भरी शाम कफन बेतुगी। फिर भी शायर बड़े प्यार से अपनी बेगम को समझाते हैं। ये भी अंदाज़े बयां कितना है प्यारा बेगम। ये भी अंदाज़े बयां कितना है प्यारा बेगम। इसी अंदाज बयां ने तो हमें मारा बेगम। तुम पे कुर्बान समरकंद वो बुखारा बेगम। तुम पे कुर्बान समरकंद वो बुखारा बेगम। क्या हो मुकर्रर हो दोबारा बेगम। बातें करती हो तो खुल जाते हैं गुंचों के दहन। जैसे जुल्मात में दर आती है सूरज के कारण। जैसे बोतल किसी सागर से खनक जाती है। रूह महखार तड़पती है फड़क जाती है। आगे मेहराबे बहारा में सदा देती हो। आगे मेहराबे बहारा में सदा देती हो। दरे मेखाने की जंजीर हिला देती हो। लबे लाले का तहरुक है के आसारे शफ़क। इतना प्यार से शायर अपने बीवी को समझा रहे हैं। बीवी फिर भी गुस्से में है। कहती है तुम्हें ऐसे मेरे बात को शेरा जोड़े। तुम्हें ऐसे मेरे बात को शेरा जोड़े। क्या नजाकत से अजी डोल के पापर तोड़े। शायरी माठी पड़ो जान का जोखम हो गई। शायरी माठी पड़ो जान का जोखम हो गई। खेती बाड़ी करो धंधा करो बेचो घोड़े। शायर कहते हैं बड़े रिक्वेस्ट करते हैं अपनी बेगम से। क्या कड़ी ठंड है दरवाजा तो खोलो बेगम। क्या कड़ी ठंड है दरवाजा तो खोलो बेगम। कुछ सताने की भी हद होती है बोलो बेगम। कोई नौकर तो नहीं दर पे तुम्हारे बैठे। तुम भी इंसान हो जरा दिल को टटोलो बेगम। बीवी फिर भी बीवी का अंदाज वही है। पड़ते पानी में मरो कुंडी लगा के बैठियो। पड़ते पानी में कुंडी लगा के बैठियो। कितने नासूर कलेजे में छुपा के बैठियो। कितने तारे मेरे पलका से उतर को ढूंढे। खाली दीदे में दरवाजे को लगा को बैठो। किसके चक्रा में फिरा करता है अली गली। किसके चक्रा में फिरा करता है अली गली। रात को 12 बजे आता है झापड़ पल्ली। रात के 12 बजे आता है झापड़ झल्ली। कौन खाबा है मतलब कौन औरत है। कौन खाबा है तुझे इतना घुमाको गाठी। इसमो पाउडर की धरी मुंह को लगा को गाठी। क्या कलीजे को मेरे काट को छन्नी कर दी। क्या कलीजे को मेरे काट के छन्नी कर दी। पानी नहीं है सो जगह रान की मुंडी का तो। दोनों हाथा से इन्हें बाटी मोहब्बत मेरी। या खुदा मैं ज़ारत के फुटाने बाटू। कहती है दोनों हाथा से इन्हें बाटी मोहब्बत मेरी। या खुदा मैं ज़ारत के फुटाने बाटू। इनके कब्रा को लिखूं नाम इनके कब्रा पे लिखूं नाम तुड़ाने बैठी। अच्छी खासी मेरी जन्नत को खपाने बैठी। शायर शायर जो है उर्दू का दीवाना है। कहते हैं यहाँ पर उर्दू को फरोग देना चाहते हैं। जैसे दीवाना फिरा करता है कूचा कूचा। जैसे दीवाना फिरा करता है कूचा कूचा। किस परी रूह के हुए हम भी असेरे गेसो। कतलगाहों से गुजर जाता हूँ गाहे गाहे। लेके फिरती है मुझे देख ज़बाने उर्दू। कहते हैं कतलगाहों से गुजर जाता हूँ गाहे गाहे। लेके फिरती है मुझे देख ज़बाने उर्दू। मर गए उर्दू है कोई खेल नहीं है दानादा। मर गए उर्दू है
कोई खेल नहीं है नादा, ये जो मर जाएगी एक शोर वो फगा उठेगा। गजले रोती हुई सर पेट के ढूंढेंगी उसे, शोला बुझ जाएगा दीपक से धुआं उठेगा। मेरी खिदमत की एक धूम मचेगी बेगम, मेरी खिदमत की एक धूम मचेगी बेगम, सारी दुनिया अदब झूम उठेगी बेगम। मीर वो मिर्जा की मजारे भी तड़क जाएगी, मीर वो मिर्जा की मजारे भी तड़क जाएगी, छातियां आतिश वो नासिक की चटक जाएंगी। बीवी कहती है शायर को, यहाँ पर बीवी बावला भी कहती है, कहाँ से बैठा था नसीबा में बोला शायर, कहाँ से बैठा था नसीबा में बोला शायर, अड़ो मिट्टी पड़ो दीवाना होला शायर, उड़ो मिट्टी पड़ो दीवाना होला शायर, प्यासे शायर को तो पानी नहीं देती दुनिया, प्यासे शायर को तो पानी नहीं देती दुनिया, नहरे की दूध की तुर्बत पे बहा देती है। सर छुपाने को मिलता नहीं छप्पर कोई, सर छुपाने को तो मिलता नहीं छप्पर कोई, संगे मरमर के मजारे तो बना देती है दुनिया, फूला खिलते हैं तो माटी में मिला देती है, वही माटी फिर आंखों से लगा लेती है दुनिया। शायर कहते हैं, जमाने की बात करते हैं शायर यहाँ पर, अब ऐसा कातिल है ये खंजर तो चुभो देता है, ऐसा कातिल है ये खंजर तो चुभो देता है, खुद ही मैयत से लिपट जाता है और रो देता है। उर्दू जबान कहती है, यहाँ जबान बोलती है उर्दू जबान, बूटे बूटे से मेरा रंग नमो टपकेगा, बूटे बूटे से मेरा रंग नमो टपकेगा, मेरे कातिल तेरे हाथ से लहू टपकेगा, बूटे बूटे से मेरा रंग नमो टपकेगा, मेरे कातिल तेरे हाथ से तेरे हाथों से लहू टपकेगा। थैंक यू। हमारी अगली नज्म है हमारे बच्चे। इस नज्म में इस सदी और उस सदी के बच्चों को कंपेयर किया गया है। हालांकि बच्चों की तरबियत तो अच्छी होती है, मगर माशरे के असर की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसमें हालात का भी असर अंदाज होना लाजमी है। इसमें तीन लोग इस नज्म को लेके बात कर रहे हैं, जिसका जो अभी आपके सामने पेश करेगी शगुफ्ता और रुखसाना। शगुफ्ता बताएगी, रुखसाना बताएगी कि इसमें कितने लोग किस तरह बात करते हैं। ये एक दोस्तों की महफिल जमी है जिसमें बच्चों का जिक्र चला है। एक लखनवी पंडित है, एक दक्षिणी खाला है और मिस्टर रॉबर्ट है, और एक खान साहब भी हैं। शायर से गुफ्तगु शुरू होती है और शायर पे ही खत्म होती है। हमारे बच्चे, शायर कहते हैं, फरमाइए ना साहब बच्चों का हाल क्या है, फरमाइए ना साहब बच्चों का हाल क्या है, कुछ तो पढ़ाया होगा आगे ख्याल क्या है। उस पर लखनवी पंडित कहते हैं, साहब गुलाम जादे सब ताक हो चुके हैं, साहब गुलाम जादे सब ताक हो चुके हैं, बस्ती की किस गली से नस्बत नहीं है उनकी, डरते हैं यूं बड़ों से पासे अदब है इतना, दो चार दिन से घर में सूरत नहीं है इनके। फिर दक्षिणी खाला कहती है, उजड़ो उजड़ो उजाड़ पट्टे सबको खपा को निकले, चुट भर के हैं कि नहीं कि छुट्टा लगा को निकले, फूला के पहने बुशर पूरे चमन हुए हैं, फूला के पहने बुशर पूरे चमन बने हैं, आपा का जैसे हीरो जंपर दबा को निकले, सब दोस्तों को लेको होटल में जा पिए हैं, बाबा की जेब में से पैसे तड़ी किए हैं। रॉबर्ट कहते हैं, बाय गॉड अपना जॉनी परफेक्ट हो गया है, बाय गॉड अपना जॉनी परफेक्ट हो गया है, एकदम है 420 पप्पा से फाइट करता, मम्मी को मार देता, टीचर को टाइट करता,
सच्चे को रॉन्ग करता, झूठे को राइट करता। इसमें एक खान साहब है, खान साहब बोलते हैं, वल्ला हमारा बच्चा है गुल की यार माफिक, गाता है फिल्मी गाने बुलबुल की यार माफिक, उड़ता है चांदनी में जालिम चकोर माफिक, याहू पुकारता है शम्मी कपूर माफिक। फिर शायर कहते हैं, हमने कभी न सोचा अपने वतन में यारो, हमने कभी न सोचा अपने वतन में यारो, ऐसी चलेगी आंधी वीरान बाग होगा, औलाद ही के हाथों मुंह पर लगेगी काले, आंखों में अश्क होंगे सीने पे दाग होगा, बच्चों को मेरे यार जीने का तू हुनर दे, बच्चों को मेरे यार जीने का तू हुनर दे, आंखें तो दी है तूने आंखों में कुछ नजर दे, बेटी हो चांद बीबी बेटी हो चांद बीबी, बेटा हो टीपू जैसा, बेटी हो चांद बीबी बेटा हो टीपू जैसा, वरना तू मेरे मालिक माओं को बांझ कर। अब हम जो नज़्म पेश करने जा रहे हैं मैं और मुमताज, वो सास और बहू है। सुलेमान खतीब ने अपनी शायरी में औरतों के किरदार को उनके माहौल और जज्बात से वाबस्ता रखा है। यही वजह है कि उनकी शायरी की तमाम औरतों के किरदार तवानाई से भरपूर हैं और मर्द किरदारों की बनिस्बत ज्यादा हकीकत पसंद है। इनकी इस नज़्म सास बहू में सास का किरदार नेगेटिव है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सास का किरदार बहू के किरदार पर हावी है। वो बहू को खड़ी खड़ी सुनाती है और उसे लगता है कि वो सही है। माशरे में सास का दर्जा ऊंचा है और बहू का दर्जा कम अता किया गया है। शायर ने वो मुकालमे की सूरत में दो खवातीन के जज्बात की अक्कासी की है, मगर शायर की हमदर्दी सास के साथ है, बहू के साथ नहीं है। साथ होने के नाते दखनी औरत की तंग मिजाजी और बहू को बुरा भला कहना, ये सुलेमान खतीब की शायरी की खूबी है। यहाँ सुलेमान खतीब ने तालीम याफ्ता और तालीम से बेनियाज माहौल का मुकाबला किया है, वहीं इस नज़्म का इख्तितामिया यानी एंड सबक आमोज है और इखलाकी कदरों को उजागर करता है। तो चलिए सुनते हैं नज़्म। पेश नज़्म सास बहू। इस नज़्म में देखा जाता है कि एक जाहिल सास है और उसका पढ़ा लिखा बेटा, जिसने अपनी मर्जी से एक पढ़ी लिखी खातून से शादी की है और ये इस लड़के की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस जज्बात को देखिए कि किस तरह पेश किया है सुलेमान खतीब। सास, आज घर में लगा को बैठी माँ, घर का कुंभा डुबा को बैठी माँ, वो तो पट्टा सदा का दीवाना पूरा बंदर बना को बैठी माँ, क्या फिराती है कैसा घाली है, एक लट्टू की पूरी जाली है, उजड़ा देखा उछल गया पुट्टा, पीला देखा फिसल गया पुट्टा, मेरे हाथा से क्या करूं अम्मा, साफ पूरा निकल गया पुट्टा, कैसे जाले में उसको पकड़ी है, अदमिया खाने की एक मकड़ी है। यहाँ बहू है वो गालिब की गजल के कुछ अशआर पढ़ती हुई बताई गई है। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा कहे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। कौन गालिब, ये तेरा सग्गा है, कलेजे को थाम लेती, कितना दीदा दिलेरी बोलू माँ, गैर मर्दा का नाम लेती है, इन्हें चलती सो चाल देखो जी, मोटा कितने है लाल देखो जी, मुंह पे छोड़ी सो बाल देखो जी, क्या बिछाती है जाल देखो जी, की गे हंसती सो दांता तोड़ूंगी,
दांत किल्ली बिठा को छोड़ूंगी। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कहने वाले का मुंह दिखता है, तेरी चुमती नजर नहीं आती। यहाँ पे बहू मीर की गजल का कुछ अशआर बोलती है, नेक तौफीक बस खुदा बख्शे और कुछ कहिए क्या सिवा बख्श, और कुछ कहिए क्या सवा कह के सिवा है सिवा सा, और कुछ पूरा पूरा पैराग्राफ ऑफिस पर बहू कुछ मीर के अशआर पढ़ती है, नेक तौफीक बस खुदा बख्शे और कुछ कहिए क्या सिवा साहेब, क्या कहीं कुछ कहा नहीं जाता, हर सितम अब सहा नहीं जाता। क्या सितम सर पे तोड़ेंगे, कौन सुबह से दीदे फोड़ेंगे, हमें दुनिया के सारे दुश्मन है, कई को दुश्मन से नाता जोड़ेंगे, कौन बाजा बजा को लाया था, तेरा बाबा उठा को लाया था, मुझे घर में बिठा को लाया रे, अंधा बादशाह बना को लाया रे, गोरी चमड़ी पो चार हुरफा पो कहाँ की चमरक उठा को लाया रे, सीधी सादी है कि भटकती है, सादी मांझे में जा को कटती है। बहू बोलती है, खट्टी बातों से दिल ये कटता है, दही गिरने से दूध फटता है, तुमने देखा है चांद अम्मा जान, चांद बढ़ता है चांद घटता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तेरी आदत है बात मारेंगी, बाता बाता में बात मारेंगी, अम्मा जैसी है वैसी बेटी है, पावा पकड़े तो लात मारेंगी, हमें चुपकी पावा धोते हैं, बच्चे सांपों के सांप होते हैं। जो कहो तुम सो है बजा साहेब, हम बुरे ही सही बला साहेब। क्या रजीला का जीना जीता है, उसके जूतिया में पानी पीता है। फिर बहू हाली के अशआर बोलती है, क्या जमाना है खाए जाता है, तीर पैहम लगाए जाता है, गो के हाली में दम नहीं बाकी, दौर अपनी हिलाए जाता है, जितने फंदे बना के लाएंगे, धागे कच्चे ही टूट जाएंगे। मुंह पे मारूंगी, कौन मावाली है, कौन कलदार कौन हाली है, कौन लगड़ींगा जाको तेरे से, काचकोरे की तू डगाली है, सारे घर में धुआं सा पकड़ी है, चटपटे की उजाड़ लकड़ी है। बहू कवे की आवाज गौर से सुनकर कहती है, कवा लहरा की छत पे गाता है, तवा रह रह के मुस्कुराता है, मुर्गी आंगन में पर सुखाती है, कौन मेहमान घर पे आता है, दिल में लड्डू से फूट जाते हैं, मेरे मैके से लोग आते हैं। तेरे लोग जो घर को आते हैं, किसके बाबा का खाना खाते हैं, झाड़ू कहाँ के उजाड़ कंगाला, मेरे बच्चे को सब डुबाते हैं, नरम लोग को सब लगड़ते हैं, मिठे बेरा में कीड़े पड़ते हैं। कौन दर पे किसके जाता है, वक्त मजबूर करके लाता है, बंदा परवर ये बात है इतनी, बंदा बंदे की काम आता है, कब किसी की हमेशा चलती है, शाम होते ही धूप डलती है। उंगलियां चटका को बात करती तू, उंडिया झटका को बात करती है तू, तेरे दीदे दीवाला हो को जाओ, दीदे मटका को बात करती तू, भूर्ति क्या है दीदे फोड़ूंगी, दांत किल्ली बिठा को छोड़ूंगी। सास पानी लाने के लिए कमरे में जाती है और बहू गम गलत करने के लिए गुनगुनाती है, गम उठाने के वास्ते दम है, जिंदगी है अगर तो क्या गम है। नाच गाना बजाना फैशन है, जड़ से चोटियां कटाना फैशन है, सात मर्दों के जाना फैशन है, जाको होटल में खाना फैशन है, कौन रोकेगा कई कुछ जाती है, चार पैसे कमा को लाती है, मेरे भाई की एक निशानी थी, करना बोली थी कैसी रानी थी, रंग पीला था पक्के लीमू का, फुट ककड़ी थी क्या जवानी थी, बेटी खुशबू थी हल्की संदल की, एक पत्ती थी कौली पीपल की, इसे जोरू कमा को लाना था,
ऐता घर में बिठा को लाना था, इन्हें औंदा पड़ा था पड़पड़ को, इसे डिग्रिया उठा को लाना था, चार पैसे कमा को वारेंगी, मुंह को जूते हजार मारेंगी। बातें करती हो किस तरह अम्मी, बात हीरा है बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात सीने का दाग होती है, बात फूलों का बाग होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो अजाब होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात कहो अदाब अताप होती है, बात कहते हैं रब अर्नी को, बात उमुल किताब होती है, बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए, बात खंजर की काट होती है। मिंजे खंजर की काट बोली ना, मिंजे खड़कनी सो नाट बोली ना, दिख के मुर्दों की खाट बोली ना, घुड़पो फेंके सो डाट बोली ना, मिंजे चिपकिया सो चंबू बोली ना, मिंजे तड़खिया सो बंबू बोली ना, मिंजे दुनिया की कटनी समझी गे, लाल मिर्चा की भुखनी समझी गे, मिंजे दमे की धकनी समझी गे, मिंजे फूटे सो फकनी फुकनी समझी गे, मरद आने दे पीठ फोड़ूंगी, तेरी तुर्बत बना को छोड़ूंगी, कितने जाते हैं तू भी जाना गे, आपको कई दस तुझे ले जाना गे, घुस को मिर्चा तुझे लगाना गे, पूरे पीरा के हाथ जोड़ूंगी, मिट्टे घोड़े बना को छोड़ूंगी, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, सुख की डाली पो फूल खिल जाएगा, सुख की डाली पो फूल खिल जाएगा। अब बहू की आंखों में आंसू है और वो ब्लूगीर आवाज में बोलती है, हम घराने की शान रखते हैं, बंद मुट्ठी की आन रखते हैं, घर की इज्जत का पास है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। अपनी तालीम रोक देती है, बात बढ़ते ही टोक देती है, ये न भूलो कि तुम भी बेटी हो, ये न भूलो कि तुम भी बेटी हो, बेटी हर घर की एक अमानत है, बेटी मरियम है, बेटी जहरा है, बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है, बेटी सीता है और सावित्री, बेटी उनवान है, उनवान दर से इबरत है, बेटी कहते हैं बेजबानी को, बेटी पत्थर की एक मूरत है, एक की बेटी जो घर को आती है, अपनी भी बेटी घर से जाती है, अपनी भी बेटी घर से जाती है। जैसा कि हमने उनकी शायरी का जिक्र किया था कि वो किस तरह के शायर थे, तो उनकी शायरी दक्षिणी शायरी के शायर थे और उनके जो मौजूआ थे, वो जो सब्जेक्ट लेते थे, वो बहुत गहराई तक लेके जाते थे। वो पहले उनके शेरों में हंसाने वाला वाले अशार होते थे और बाद में वो ऐसे संजीदा अशार हो जाते थे कि आदमी के दिल की गहराई तक पहुंच जाते थे और कभी कभी तो उनसे जो पढ़ता था उसको रोना भी आ जाता था। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए समाज में मौजूद नासुरों यानी जख्मों को न सिर्फ मरहम पट्टी की बल्कि इंसानियत के एहसास को भी जगाने में वो कामयाब हुए थे। हुस्न परस्ती उनकी शायरी में झलकती थी, उनकी जिंदगी में भी झलकती थी। उनके कई मशगले थे, जैसे बागबानी, मुर्गबानी, उनको किताबें पढ़ने का भी शौक था। उनकी खास आदत थी मुरव्वत और मोहब्बत, जो बचपन में उनको मोहब्बत नहीं मिली वो उनसे महरूम रहे थे, मगर वो खुद सब लोगों से मोहब्बत करते थे, वो पॉजिटिव सोचते थे। हालांकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव्स आए थे, मगर फिर भी उन्होंने पॉजिटिव सोचा। इनकी ज़िंदगी के हालात जब मैंने शुरू में बयान किए कि बहुत तकलीफदार थे, उनके वालिद गुजर गए थे, उनकी वालदा गुजर गई थी, लेकिन जो उनके भाई थे वो भी पुलिस कमीशन में थे और वो भी उनको भी कत्ल कर दिया गया था। उनकी बहन भी गुजर गई थी, बहन का बेटा भी गुजर गया, तो ऊपर ऊपर के ये हालात थे, उन्होंने तोड़ दिया था उनको, लेकिन फिर भी वो मजबूत बने रहे थे। उनकी शायरी में इंसानियत के दर्द का एहसास भी दिखाई देता है, तंजो मिजाज भी है, उनकी हर नज़म में पैगाम है, तंज के जरिए वो उनका पैगाम जो तंज के जरिए छुपा हुआ होता है, जो अगर हम उनकी शायरी पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा। 17 अक्टूबर 1978 को सुलेमान खतीब को एक कवि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए हैदराबाद गए, जहां उन्हें बुखार हो गया
उसके बाद उनकी हालत नहीं संभली, उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती गई और आखिरकार 21 अक्टूबर 1978 को वो हमसे जुदा हो गए और हम एक बहुत ही आलीशान एक शायर से महरूम हो गए। लंदन पलट बेटा बाप की कब्र पे। शायर सुलेमान खतीब अपनी नज़मों में माशरे को कोई ना कोई पैगाम देते हैं। वो अपनी नज़मों के आखिर में सोशल रिफॉर्मिंग को अपने जहन में रखकर माशरे की इस्लाह करते हैं। इस नज़म में वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आजकल वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसके रहते बच्चे अपने कल्चर और अपने मजहब से बहुत दूर हो रहे हैं। यही एक एग्जाम्पल शायर ने हमको दिया है लंदन पलट बेटा बाप की मजार पे। जो बेटा लंदन से आता है लेकिन उसको कोई रिचुअल्स नहीं मालूम है कि कब्र पे कैसे जाते हैं और क्या करते हैं, फातिहा पढ़ना वो उसको बिल्कुल नहीं आता। तो यही बयान कर रहे शायर लंदन पलट बेटा बाप की कब्र पे। लवली फादर मजे में सोता है, लवली फादर मजे में सोता है, हम तो दुनिया में बोर होता है। अपने दिल में तुम्हारा इज्जत है, अपने दिल में तुम्हारा इज्जत है, कितने ऑनर का जीना जीता है। जितना मिलता है हमको जुए में, नाम ले को तुम्हारा पीता है। फूला लाना बिसर गया फादर, फूला लाना बिसर गया फादर, हम तो कब्रों पे गिन के जाता नहीं। फातिहा देना बहुत बोलिया था, फातिहा देना बहुत बोलिया था, फातिहा देना तो मंजे आता नहीं। कॉन्वेंट में मिंजे पढ़ाए थे, कॉन्वेंट में मिंजे पढ़ाए थे, कहां से फातिहा मिंजे सिखाए थे। जाओ जन्नत में जाके सो जाओ, जाओ जन्नत में जाके जीते रहो, हम भी पीता है तुम भी पीते रहो। हराज का पलंग ये अभी रुखसाना पेश करने वाली है, जिसके बारे में मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लूंगी। हराज का पलंग यानी नीलाम में खरीदा हुआ पलंग। ये पलंग एक लीडर का है जो चुनाव हार चुका है। इसके बाद इसकी ऐसी हालत है कि घर की हर चीज बिक चुकी है। इसका नीलाम किया हुआ पलंग एक शख्स लेकर आता है और इस नजर में इस पलंग का जिक्र है कि ये पलंग क्या क्या रंग दिखाता है, जिसके पेश करने जा रही रुखसाना जमादार। पट्टी में जिसकी लर्जा, पाए में जिसके राशा, राशा यानी थरथरा। पट्टी में जिसके लर्जा, पाए में जिसके राशा, हर चीज कांपती है, किसका पलंग है बादशाह। हर राज हो गया है, करवट बदल के देखो, बचता है कैसे ताशा। मुर्दों के माल को है जिंदों का क्या तमाशा, सोए हैं इसको ऐसा, उठने की किसको आशा। किसका पलंग है बादशाह, हर राज हो गया है। बैठे तो बस तख्त है, लेटे तो पूरा तख्ता। कलमा नबी का पढ़ लो, सीधा है यहां से रास्ता। बांधो ना बादशाह बस्ता, खाने को क्या है सस्ता। आवा है इससे बाहर, किसका पलंग है बादशाह, हर राज हो गया है। हर जोड़ ढीली ढीली, कीला है ढीला ढीला, कीला यानी कील, नेख, नेल। हर जोड़ ढीली ढीली, कीला है ढीला ढीला, एक बार मैं जो कीला, कीला यानी ग्रोन। जब पेन में होते हैं तो दर्द होता है तो कीलते हैं। एक बार मैं जो कीला, 100 वो भी कीला। इसको बड़े ही ने छीला, यारों ने हमको छीला।
दीमक ने इसको चाटा, चीचक से हम भी चीला, पाखों से हम भी पीले, इसका रंग भी पीला, इसका पलंग है बादशाह, हर्राज हो गया है। झुंगुर का कारखाना, झुंगुर का कारखाना, खटमल का है ठिकाना, मच्छर का शामियाना, मच्छर का शामियाना, पिस्सू का काट खाना, क्या क्या मजे है यारो, हर हर जगह खुजाना। चर चर पलंगाता, पन्ना नता नताना, पंक्ति में तेल नहीं है, अंधों का है जमाना, किसका पलंग है बादशाह, हर राज हो गया है। आया है जब से घर में, मेला लगा हुआ है, बच्चों का शोर घर में, बीवी का भी गिला है, कैसा पलंग है ये, अंदर से खोखला है, हमसाया हमसे पूछा, हजरत ये क्या बला है, कैसे ही बाल बच्चे, दूल्हा कहाँ चला है, किसका पलंग है बादशाह, राज हो गया है। लीडर था एक हमारा, एक आंख का बिचारा, एक झूठ का पिटारा, क्या पाप का पिसारा, बातों में जैसे खंजर, चलने में जैसे आरा, हर चीज बिक रही है जब से चुनाव हारा, ये पलंग उसका छे, राज हो गया है। कितने सफेद चोरा सोए थे इसको बादशाह, कितने सफेद चोरा सोए थे इसको बादशाह, कितने कलप के हुरा सोए थे इसको बादशाह, कितने हराम खोरा सोए थे इसको बादशाह, एक बाप था बेचारा, इसने इसे संवारा, आंसू की हर लड़ी में सलमा किरण सितारा, बेटी चली है घर से, घर में हुआ अंधारा, बेटी चली है घर से, घर में हुआ अंधारा, जाता है खुद इसी पो, खर्जों ने उसको मारा, जाता है खुद इसी पो, खर्जों ने उसको मारा, ये उसका पलंग है, हर राज हो गया है। मुझे शेयर करते हुए बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि मैं उन खुश नसीब में से हूँ जिसे सुलेमान खतीब साहब के मुशायरे में शिरकत होना, उनसे बोलना, उनसे सुनना, मुझे उनका मौका मिला है। बड़े ही खुशगवार अंदाज से कहते थे और लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। मैं उनकी नज़में पढ़कर ये समझूंगी कि एक तरह की मैं उनको खिराज अकीदत पेश कर रही हूँ। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। जब मैंने और नसीमा जी ने ये डिसाइड किया था कि हम ये सुलेमान खतीब पर कुछ प्रोग्राम करेंगे, तो हमारे पास मवाद कुछ नहीं था, इसलिए मैंने मोहतरमा अतिया साहिबा गुलबर्गा से रब्ता किया, और मेरी खुशकिस्मती ऐसी कि उन्होंने मुझे मोहतरमा शमीम सुरैया से मिलाया। शमीम सुरैया जो सुलेमान खतीब की दुख्तर हैं और इस वक्त वो अमेरिका में मुफीम हैं। आज का ये प्रोग्राम हम उनकी लिखी किताब से ली हुई मालूमात लेकर बनाया है। नसीमा और मैं और हमारी टीम उनके बहुत बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। अब जो आखिरी नज़म आपके सामने पेश की जाएगी वो है हली। दक्कन और हैदराबादी जबान की बात करते हैं तो हैदराबाद के लजीज और मज़ेदार खानों की याद आती है, बिरयानी, नली निहारी, खिचड़ा और ख़ास करके हली। हली में एक अरबी और ईरानी डिश है जो निज़ाम के दौर में चाउश लोगों ने हैदराबाद में इंट्रोड्यूस की थी। गोश्त, गेहूँ और दीगर सारे लाइटिंग्स को मिलाकर बहुत पकाकर एक पेस्ट के जैसा बनाया जाता है, इसको हलीम कहते हैं। कुछ लोग इसको हरीस भी कहते हैं।
खिचड़ा इसको ज्यादा कूटा जाता है मगर पेस्ट नहीं बनाया जाता है, वो थोड़ा मोटा होता है। ये सारी डिशेज वैसे तो बहुत मशहूर है लेकिन रमजान के नए महीने में ये चीजें बहुत शौक से बनाई और खाई जाती है। सुनते हैं हलीम की तारीफ सुलेमान खतीब की इस नजम में जिसका उन्वान ही हलीम है। क्या मुकद्दर है अपनी होटल के, शाम होते ही जगमगाते हैं, लोग रखते हैं कम से कम रोजे और ज्यादा हलीम खाते हैं। खाने वालों में क्या कहें प्यारे, कोई हाफिज है कोई खारी है, किसको रोजे नमाज प्यारे हैं, अब तो सब पर हलीम भारी है। इसका दादा तो खास खिचड़ा है, ये न समझो कि दादी खिचड़ी है, इसकी सौकन हरीस होती है, ये भी चिकनी है वो भी चिकनी है। वली दकनी का जैसे मिसरा हो, वली दकनी 17वीं सदी के मशहूर शायर, दकनी शायर वली मोहम्मद वली उनका नाम है, वली दकनी के जैसे मिसरे हो, ये है दकनी हलीम लासानी, लासानी यानी जिसका कोई मिसाल नहीं। इसको खाए तो फारसी आए, इसको खाए तो फारसी आए, ये खालिस हलीम ईरानी। जितना भूखी है हर तरफ सूखा, और लीडर हलीम खाता है फिर इसी के कसीदे गाता है। कसीदा यानी वो पोएम जिसमें किसी की तारीफ की जाती है, फिर इसी के कसीदे गाता है, इसके मानी है लिखना आता है। किसी साहब ने हमसे पूछा था कि ये क्या शय हलीम होती है, किसी को किसी कूचे का नाम है प्यारे, कुर्ता टोपी है या ये धोती है, जबकि अब्दुल हलीम की हालत गल के बिल्कुल सकीम होती है। यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अब्दुल हलीम वो शख्स है जो हलीम बना रहा है, जबकि अब्दुल हलीम की हालत गल के बिल्कुल सकीम होती है, यानी उसको हलीम को पकाते वक्त वो जितना गलाता है तो वो ये भी गल कर खस्ता हाल हो जाता है, जबकि अब्दुल हलीम की हालत गल के बाद बिल्कुल सकीम होती है, हड्डी गलती है चमड़ा गलता है तो समझ लो हलीम होती है। हैदराबाद ता अबदाबाद, क्या मुरवत है क्या मोहब्बत है, जो भी आता है इसको खाता है उसकी सीरत हलीम होती है, जो भी आता है उसको खाता है उसकी हीरत सीरत। Welcome everybody. Now we have come to the end of the program, and I now invite all the people, all the Rukhsana ji, everybody can see you. Afroz ji, first of all, I would like to thank all the ladies, that is Naseema, Afroz, Alak, Shagufta, Rukhsana ji, for such a wonderful and Mumtaz for such a wonderful program. And आपको कुछ बोलना है तो अभी आप बोल सकते हैं। Wants to do first. Rukhsana ji, कुछ बोलना चाहेंगे? जी यही मैं यही बोलूंगी कि जितना हमको पढ़ते हुए इतनी खुशी हुई है, पता नहीं लोगों को मजा आया कि नहीं, हमें तो बहुत मजा आया सुनाते हुए। Shagufta ji, what was your experience? No, you have to unmute yourself, Shagufta. Shagufta ji, unmute yourself. Very nice program, I said. Thank you very much. आप लोगों की भी काफी मेहनत है, सभी ने अपने जुड़ के काम किया है और फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। You know, I enjoyed it. Alam sahab, would you like to speak something? Alam Ghazipuri. Alam sahab, you can unmute yourself and I think Khateeb sahab bhi hai, Khateeb karke jo hai, Khateeb fan hai, Khateeb allowed.
क्या खतीब साहब ने लिखा है कि आप सब लोग ये दक्कनी पोएट्री से कैसे जुड़े हुए हैं, तो सरा जी कैन यू गिव एन आइडिया हाउ यू हैव रिलेटेड टू दिस पोएट्री? खतीब साहब इज आस्किंग हाउ ऑल द लेडीज आर रिलेटेड टू दक्कनी पोएट्री, हाउ डिड यू? I am from Hubli, Karnataka, and there the language is spoken is like Dakni only, more or less like Dakni. So we are so much used to speaking Dakni at home, so that's why. And I have seen him and watched him performing Mushaira in my young age. I was still in 11th, I think I have seen him performing in Mushairas. That's how I am a very good fan of marhum Khatib sahab. Alam Ghazipuri sir, you want to speak? So please unmute yourself. Khatib sahab, you want to speak? Anybody else wants to speak? Dr. Sayyad has joined from Riyadh. I think they are unable to speak. But they have written lovely messages. I have got messages from a fan, Kavita Kriplani, ne likha hai ki a different facet of poetry and shayari, the Dakkani flavor. Ali Kosipuri has been writing a lot of comments, but unfortunately he is unable to speak. Sipa, would you like to say something now? जुड़ गए तो क्या होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम में हमें फरमाइश भी आती है कि आप लोग ये शायर के बारे में कुछ कीजिए, तो सुलेमान खतीब के बारे में भी हमसे कहा गया था कि आप ये मजाया शायर हैं उनके बारे में कीजिए, तो हमने फिर ये अटेम्प्ट किया कि हम करेंगे क्योंकि लोगों की फरमाइश है और लोगों की फरमाइश पूरी करना तो गुलदस्ता उर्दू का काम है। डॉक्टर सैयद ज्वाइन होना चाहते हैं, सैयद साहब आप बात करिए, आई हैव अलाउड यू टू स्पीक सर। थैंक यू वेरी मच, आई एम फ्रॉम गुलबर्गा, गुलबर्गा प्रेजेंटली आई एम इन रियाद सऊदी अरेबिया, या एंड आई एम वेरी मच नोन टू सुलेमान खतीब साहब एंड हिज फैमिली वाओ एंड सम ऑफ हिज सन्स आर माय फ्रेंड ओहो वेरी गुड ख्वाजा खतीब साहब एंड तो सुलेमान साहब की शायरी जो है बहुत ही आला दर्जे की शायरी है और बिल्कुल जो आम इंसान के जज्बात और उनके मुश्किलात और मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड है और बहुत ही उनका अंदाज़ बयान मुख्तलिफ और बेहद दिलकश है और उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और दिखाया है लोगों को और ये उनकी शायरी की ये खूबी है। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैयद। सबा जी ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल जस्ट गिव सबा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सबिदा ताकीदार किधर गए सबा, अरे चले गए सबा, सबा जी चले गए, शाम सुबह हो गई सबा, सबा ताकीदार सबा कैन यू स्पीक, आई हैव अलाउड यू टू स्पीक सबा, सबा जी, ओह व्हाट हैपेंड, सबा कैन यू स्पीक, शी इज किसकी बेटी है? शमशाद की बेटी है ना, अफरोज जी, आई थिंक शी इज नॉट एबल टू स्पीक, आई एम सॉरी, but she was active on the and you know we were discussing that Dakkani zaban jo hai wo actually jo Bahmani saltanat jab establish hui right from Ahmednagar, Aurangabad, Sholapur, Bijapur, Golconda and right up to Hyderabad, ye puri area mein ye bhasha Dakkani Urdu boli jati thi, it was a compilation of Persian, Urdu, Telugu, Tamil, maybe tate ha Marathi hai na, so this was what I was talking to her and I think we have got a so Afroz, you would like to say something? Unmuted, you unmute yourself Afroz. Abhi aa rahi awaaz? Yeah, ah yes yes yes, ha thank you very much, mere pe thoda sa apne
भरोसा किया कि मैं कुछ पढ़ूंगी उर्दू में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पढ़ा, सभी ने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ सभी ने अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं उसमें यू कैन से कच्चा नींबू उर्दू के मामले में, तो आपने उसको बना दिया थोड़ा सा। शगुफ्ता ने साथ दिया, रुखसाना ने साथ दिया, मुमताज ने साथ दिया, तो ये टीम वर्क के साथ ये प्रोग्राम हम कर सके। और मैंने और फारूक ने पीछे से ये जो आपने तो 100% साथ दिया नहीं हो सकता है, तो आज हम देख रहे हैं वो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक्चुअली सही बात है। एक मोहम्मद तनवीर साहब है जो लिखे, अस्सलाम वालेकुम, वुड यू लाइक टू स्पीक, देन आई कैन गिव द परमिशन टू स्पीक। मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद मोहम्मद उनके, एनीबॉडी नोज मोहम्मद तनवीर इज देयर इन द एनीवे। हाँ नहीं, सो इफ एवरीबॉडी हैज स्पोकन एंड एवरीबॉडी हैज लाइक द प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। If anybody wants to get the information of these programs continuously, then please put your mobile number in the chat box. The three participants have raised their hands. Let me see who are they. Alam Ghazipuri, please speak, Ghazipuri sahab. And there is Shamim Suraiya, please speak. I have allowed it. Shamim Suraiya, tumki beti hai. Achha, okay. Shamim Suraiya is there on the line. Shamim ji, aap baat kariye. Assalamu alaikum. हम तो लगे हुए थे यहाँ पर, सुबह के 8:30 बजे आपका प्रोग्राम आया, तो जब वहाँ पर 7 बजते हैं तो यहाँ सवेरे 8:30 होते हैं, तो जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट किया और ज्वाइन हो गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आप सबको मैं मुबारकबाद दूंगी, फारूक साहब, फारूक मचन साहब और उसके साथ शगुफ्ता साहेबा, रुखसाना साहेबा और डॉक्टर मुमताज अफरोज साहेबा। एंड वन हु वाज कंपेयरिंग द प्रोग्राम, वसीमा, नसीमा, हाँ, इन सब ने बहुत मेहनत से और बहुत, यानी मैं कहती हूँ कि दक्षिणी जबान को पढ़ना और उसका सही तलफ्फुज़ अदा करना आज इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश की, अच्छी कोशिश की और उसको जो अल्फाज हैं उनको सही तरीके से आपने अदा किया। और दूसरी बात जो मुझे पसंद आई, जो नज़्में आपने मुंतखब की, कि ये नहीं कि एक ही टाइप की नज़में हों, उसमें आपने ये बताया उसके जरिए कि सुलेमान खतीब सिर्फ एक ही चीज पर फोकस नहीं करते थे, बल्कि वो माशरे के हर पहलू से आगाह थे और उसको उन्होंने उम्दा तरीके से अपने नज़मों में पेश किया है, चाहे अखलाक की बात हो, चाहे जहेज का मसला हो, या फिर जो है कुछ जैसे हराज का पलंग है उसमें मसला है, या फिर उर्दू का मसला है लखनवी शायर की दखनी बीवी में, तो मुख्तलिफ चीजों पर उनकी निगाह थी। और आज से सोचिए कि उनके उरूज का वक्त 1960s था, तो फिर आज से कितने साल पहले उन्होंने आने वाले वक्त की आहट सुन ली थी, और उनका विजन जो था वो विजन भी इतना अच्छा था कि लोगों के सामने उन्होंने जो पैगाम दिए, जो लोगों को समझाया और बताना चाहा, और वो विजन बहुत कम दखनी शोरा के पास, रिवायती शायरी तो सब करते हैं, लेकिन वो विजन जो उनके पास था, इसलिए वो जब दोबारा से मॉडर्न दखनी पीरियड के वो पायनियर समझे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ और बड़ी खुशी की मेरी पूरी फैमिली, आप मेरे तमाम भाई बहनें सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रुखसाना साहिबा के जरिए इस प्रोग्राम से मैं ज्वाइन हो पाई, तो अब रुखसाना साहिबा मुझसे टच में थी, वो चाहती थी कि मैं भी आ जाऊं, लेकिन कुछ अपने ऐसी थी कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सकती थी, मगर मैं बहुत खुश हूँ, रियली आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू।
We are so proud of the way Suleiman Khatib ji ne Dakkani poetry ko itne bade is pe le aaye. Sabha kuch kehna chahti hai. I've given permission to her to speak. I don't know. Sabha ji? Sabha? I've given permission to unmute. You know, they have to unmute and start speaking. Shireen bhi hai, koi Shireen karke hai. Haan, Shireen meri cousin hai. तो शमीम जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप आए और हमें हमको सब को ओके. तो शिरीन प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग. शिरीन यस यस रिस्पेक्टेड होस्ट एंड ऑल द एडोरेबल लेडीज अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मैं शमशाद आपा को खिराज अकीदत पेश करूंगी और सब लेडीज से मैं बहुत शायद मुझे पता नहीं पहचानेंगे या नहीं. मैं पहले बहुत साल पहले मिलती थी लेडीज से ईशा गुप्ता आपा और रुखसाना आपा और मुमताज आपा बज़्मे ख़वातीन के जरिए. और बहुत दिनों के बाद देखकर आप लोगों को देखकर मुझ में कुछ जान सी आ गई है और बहुत अच्छा लगा आपको प्रोग्राम देखकर. बहुत अच्छी कोशिश रही, एक जान सी आ गई है सबको सुनकर सबको देखकर. ब्यूटीफुल यंग लेडीज के लिए मैं बोलूंगी कि पता नहीं वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे पर बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर आप सबको सुनकर. और बस कीप इट अप इतना कहकर मैं अपने शेरिन अगर आपने अपना वीडियो ऑन किया तो हम भी आपको देख ले एक नजर. Not possible now. Webinar mode में only the panelists can show the video. Okay. I am also not able to put their video on. Anyway, okay. Thank you very much. Is there anybody else who wants? Thanks a lot. मुझे मौका दिया गया बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Okay. I think Sabha is outside. She is driving the car, so we cannot get her. सभा जो है वो शमशाद की बेटी है जो एनीवे. सो थैंक यू एवरीवन एंड विद द परमिशन ऑफ ऑल कैन आई क्लोज द प्रोग्राम एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस. यस रियली वी एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू फारूक भाई. थैंक यू नसीम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. गुड नाइट. आई विल क्लोज द प्रोग्राम एंड विश यू ऑल द बेस्ट.